All of you. My name is Harjinder Kaur. I am from village Mukhliana. So, आज मैं थानू अपने experience बारे दसना चाहूँगी. मैं ना एक साल पहला इतने institute से आई सी. ते उस time मैं ना डोमा class साल लगाती हूँ दिसे. ते मैं तीन चार महीने I think 5 महीने लगाई हूँ ना. ते मैं बहुत कुछ सीखा इतनों. ते उस तो बाद फिर मेनू कुछ problem होगी. मेनू घर हटना पिया. सो मैं ये कहना चाहती हाँ कि इतने के मैंबर सॉरी सर तो मैम इन्ने ज़्यादा केयरिंग आ स्टूडेंट वास्ते कि आई थिंक मैं एक साल बाद आई हूँ इतने. तो फिर भी टच में रहते ने ओल्ड स्टूडेंट के. तो मैम ने दसिया कि स्पीकिंग क्लासा लगा. मैं बड़ी खुशी हुई. मैं चलो फिर एक बार है ना कॉडरिटी जाने का मौका मिले. जो मैं इतने आई हाँ तो पहले दिन तो ही मैं लगता कि हाँ मैं कुछ सीख रही हाँ. क्लासा में बहुत ज़्यादा वधिया. मैम ने बहुत सारा बहुत वधिया करवाया. निक्की निक्की गल जो मैं पहले बार भी स्पीकिंग क्लासा लगाई हैं बट उत्थे इन्ना कुछ नहीं मैं सीखने मिले. जिदा कि मैम ने सारी निक्की निक्की गल चंगी तरह समझाई. तो मैं बहुत कुछ सीखने मिले. तो मैं हूँ जो मैम ने एक गल कही कि तुम जो कुछ भी कोई हैबिट पानी है ना 7 दिन उसनों करके देख लो. जो तुम असी किसी गल करते हैं जो सूँ थैंक यू कहना चाहिए बस 7 दिन करके देख लो भी थानू हैबिट बन जाए. सच्ची गल आ कि मेरे में आदत आई वा. मैं बाहर किसी ने भी कोई भी गल आ घर भी आ मैं मैम दियाँ गलों फॉलो किया है. तो मेरे में गल आ भी गई हैं. तो मैं ये थैंक यू कहना चाहती हूँ मैम का. तो सब तो मेन गल ये कि जो असं इंस्टीट्यूट में आ जाने सारे स्टूडेंट असं इतने लग जाने ना. तो सब तो वधिया गल मैम दी सर दी ये आ कि जो असी एक दिन छुट्टी भी कर लेंगे. वैसे एक दिन मैं छुट्टी की मैंने चेता भुल गया कि मैं इन्हों इनफॉर्म नहीं कर सकी. मैम ने खुद मैंने फोन करके कहा कि तुम हरजिंदर आए नहीं है. मैं क्या मैम सॉरी मैं फॉरगेट भुल गई मैं है ना. तो आई थिंक मैंने फीवर होया इस करके मैं तो दस नहीं हो. बट मैम ने फिर भी परसनली पूछा. फिर भी जाने के इन्ना कंसर्न आ अपने बच्चों वास्ते स्टूडेंट वास्ते कि मैं बहुत ज़्यादा वधिया लगा ये इंस्टीट्यूट. मैंने पहला भी बहुत वधिया लगा सी. मैं हमेशा ये मौका लभदी हुंदी सी कि हाँ कि मैं दोबारा फिर लगा उस इंस्टीट्यूट कुछ करन दा मौका मिले. मैं हुण जो मैं सिर्फ 15 दिन क्लास लगाई हूँ 15 दिन भी मैं बहुत कुछ सीखने मिले इतने. तो सब तो वधिया गल यह कि मैम तो सर हमेशा अपने बच्चों के फ्यूचर बारे सोचते. ये नहीं है कि असं इतने स्टडी कर आए किसी भी इंस्टीट्यूट में जाने ना. असं सिर्फ उन्होंने ये हुंदा है कि हाँ स्टडी करन आए हैं बस इन्हों सिखाया चले जाओ. तो जिदा सर मैम आ हमेशा कंसर्न रेंदे बच्चों के फ्यूचर बारे है ना. वो दसते हैं कि बच्चों कि हाँ भी तुम ये कुछ सीख लिया. उन्होंने जॉब भी अप्लाई करते जॉब के ऑफर भी देंगे. कई सारे इतने बच्चे आ कि हाँ भी जोड़े इतों हट के बहुत वधिया उन्हों का फ्यूचर ब्राइट होया वा. तो मैं बहुत ज़्यादा सर की आदत और मैम की आदत और सारे स्टाफ की आदत बहुत वधिया हैबिट. तो सब तो वधिया गल ये कि मैं जिदा कि असं इतने लगे हाँ कई को कई बच्चों को होंगी कि फीस की प्रॉब्लम. तो डिस्काउंट भी बहुत ज़्यादा होंगे कि हमेशा कोई ना कोई ऑफर चलता रहता है. बस इस इंस्टीट्यूट में फीस भी बहुत घट आ बाकी इंस्टीट्यूट नालों. असं देख सकते हैं कि जो असं इंस्टीट्यूट में एंटर होंगे ना सिर्फ वाइट ही सानू देखने मिलता क्योंकि बच्चों का फ्यूचर ही असं ब्राइट करना वा ना. इस करके बहुत वधिया इत्थे फर्नीचर वगैरह बहुत वधिया बनाया सर ने. थैंक यू सर. थैंक यू मैम.